जेह विधि होई नाथ हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा दास मैं तोरा दास मैं तोरा। खिली बुरास सी आंख काली रत न्याली खित खिली बुरास सी आंख काली रत न्याली बकिला ते कुरूप प्योली होठ लाल झंझर्याली खित खिली बुरास सी आंख काली रत न्याली बकिला ते कुरूप प्योली होठ लाल झंझर्याली। यनी ही होली यनी ही होली यनी ही होली मेरी सुपन्याली बांध सुपन्याली बांध सुपन्याली बांध सुपन्याली बांध सुपन्याली बांध। मैं जब भी अपना कर दे शांदू तो मी थैयन लग दू जन मी अपनी माँ जी की खुशली में आए गयू। हालांकि दिल्ली माँ मी थे रहन रहन 40 साल हो गए पर मी से अपनी देवभूमि वगैरह कभी नहीं रही। मैं समय समय पर अपना उत्तरांचल में आ जाऊँगी जख है कि डांडी काठियों की शुद्ध हवा बांझ की जड़ियों को ठंडो पानी और हिवाली कंकोर जिकुड़ते छक छोड़ दी काफल हिसर किनगोड़ा बेड़ू तिमला खैकी हम बड़ा हैं और बुरांस को फूल जैकोप शीतल पे बने की बाजार में आणु पूरा देव भूमि में बिखरू छ क्या नीचे गढ़वाल में आह। और सबसे बड़ी बात तो यह देवताओं की जन्मभूमि दियो देवता यूं ही डांडी काठियों में छाई ये वास्ते यक देवताओं को शत छ जेका कारण यख का लोग सीधा सच्चा छन। दिल्ली में लोग अपना अपना कारोबारों में इतना व्यस्त होंदन कि एक दूसरे से मिलना की फुर्सत ही नहीं होंदी और हाँ जो भी मिल मतलब से मिल जो भी प्यार प्रेम च सिर्फ पैसा छ किले कि यख की चमक धमक सिर्फ पैसा छ पैसा च तो सब भी अपना छन नितर अपना भी यख विराना लगदन। हालांकि देश में बड़ा बड़ा फैसला ई महानगरों में होंगे पर जो आनंद मीठे देवभूमि में मिल वो कभी भी नहीं मिल। यख लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं गांव गौलों में लोग एक दूसरे ते काकी बोडी भै भैजी छोटो बड़ो रिश्ता से बुला देते हैं। यख प्यार को मतलब सिर्फ प्यार निस्वार्थ प्यार। यख मेरू वेग बचपन को दगड़िया दली दिन बोल दियो तो दिन और रात बोल दियो तो रात बिल्कुल सीधो साधो सच्चो इंसान छो। अपना घर ते अपना बच्चों ते वेन यखा की संस्कृति और सभ्यता सिखाई
मैं आज लगभग 10 साल का बाद वे थे मिलने को जानू छू, पर आप देखिया वो जब मिल लो तो कन के मिल लो। अरे दलीप, अरे दलीप, अरे भैजी आओ आओ, कंचे में तू और बोलो भैजी, तुम तो बिल्कुल बिसरी गया हमते। अरे भाई चिट्ठी पत्री लेनो दोनो कुछ नहीं, हाँ वो अलग बात छे के कभी कभी फोन पर बात हो जांदी, पर जो चिट्ठी पत्री में रसाण छे समलाण छे वो और कहमा नहीं छे। दलीप ये प्यार की रसानी तो नहीं थे बार बार ये खिलांद, नहीं थे तो तो पता ही कि दिल्ली को जीवन कंच। अरे भाई बड़े शहरों में यहां तो होंदु ही छे, पड़ोस में कुछ रहनु के को पता ही नहीं चल दू छे। और घर में सब ठीक छन ना? हाँ हाँ भाई। और बॉयजी कंच छन? सब ठीक छन यार। और हाँ वो छोटी कंच, आप तो खूब बड़ी भैगे होली, आप तो मेरे ख्याल से पहचानवा भी नहीं आनवी ना। अरे सब ठीक छन भैजी घर में, पर तुम तो भूख लगी होली, लंबा सफर में आया ना, और उन भी आज तुम्हारी बौजी को तुम्हारे पसंद हो गौतू को फाणु बनायो छे। गौतू को फाणु? पर भैजी तुम अंत परसों आनु छो, तू बोल तो वापस चल जाओ परसों आ जाओ। अरे सरप्राइज भी तो कोई चीज हो ना सरप्राइज। अरे भैजी सरप्राइज क्या छे, अचानक चला घर चला। हाँ चला आओ। शंभुदा, अरे धूल आनी चाहिए बहर बटी, तीन सीसा बंद कर दिया भाई। ये धूल माँ खेल कूदी की तो हम जवान आया दलीप, और फिर ये यहाँ की याद ही तो नहीं थे यक लान बार बार। सच यार शंभू है, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, जबकि तेरी उठनों बैठनों को समाज बदली गए, और अब तो तू करोड़पति आदमी चाहे दिल्ली जन शहर को भाई, पर तू बिल्कुल नहीं बदली भाई, बिल्कुल भी ना। वो तो दलीप रोजी रोटी का चक्कर माँ मीते भग जान पड़ी, नहीं फिर सच बताऊं मेरी आत्मा तो यक खींच। अरे भाई शंभू तभी तो तेरे याद कर देना। अब मिन भी इकली जगह पर एक बड़ू कूड़ू बनाई, किला के भेजी अब देखना परिवार भी बहुत बड़ू छे। अच्छा इनका बड़ू कूड़ू बनायू तेरू, तीन तो बहुत अच्छो करी भाई, आज ये बा ना चल तेरे कूड़ू भी देख लियो लो। आजकल स्कूल की भी छुट्टी पड़ी छा न, और झापा भी आई छे, बड़ू भीड़ भड़ा कुछ भाई, खपरा लो मच्छो छो खपरा लो बच्चों को हल्लाट किल्लाट लगी छो वक। अच्छा अबे जब जहां पाई जा आजकल तो बहुत रंगत हुई होली घर में। अरे भाई तुम गाड़ी के लिए रोक दिया? अरे भैजी अगने कच्चू रास्ता छे, अब तो पैदल ही चढ़न पड़नु पुगनु को रास्ता। अच्छा हाँ। चल भाई पैदल ही चलना। चल बुला चल पैदल ही चल। आज तुम्हें बहुत थक गया, ये बाटा मायन हुआ गांव का बाटा ही नहीं होनन भैजी, ये मेरी बड़ी बेटी छे अलकनंदा। अलकनंदा? अरे मैं प्यार से इतने नंदा बोल दूं। अरे ये वही तो नीचे जो छोटी सी है। बस बिल्कुल ठीक है बेटा। और ये छे मेरी बेटी दीपा। जी तेरा बेटा। और ये सबसे छोटी छे चुड़ैल सुनिधि। चुड़ैल? हाँ और क्या। नहीं पढ़ना चुप्पी भाई। और नंदा बेटी तू जान दी छे यू कुछन? ठहरे ठहरे पिताजी आप न बताया मैं बता दूं, आप छन दिल्ली वाला शंभू ताऊ जी। चला बेटा चला हम दगड़ी घर चला। ना ना ताऊ जी आप चला, हम पुंगड़ियों तो साफ करके अभी आना छे। अच्छा बेटा ठीक छे हम चल रहे छा तू। अच्छा ताऊ जी। ओ भाई दिल्ली Mm-hmm.
माजी 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 क्या चिरे साहब दिलवाले साहब के साथ आ गए। अरे आज है गिन ओहो ये सम्मू आज है क्या अभी तुम यार मेकअप भी नहीं हुआ। अरे भाई सुननी छाई देख भेजी आ गिन। वाह भाई दिलीप क्या शानदार मकान बनाई छते रु यार। वाह इन्हें पहाड़ क्या शानदार हरियाली देखे की मजा आएगी बहुत बढ़िया मकान बनाई छते। बस भैजी सौ आपको आशीर्वाद छे अभी तो ये परे काम भी जाच रंग रोगन नहीं हुए पता ही नहीं हुए बस बनेगी जंतर नहीं बनेगी। सौ आशीर्वाद भी माँ कुछ अरमिन सब्जी भी निकाटी अभी फुन सरक तुम सब्जी काटा मैं देखो छो ठीक छे। पर कम से कम रहने की जगह तो होगी। बस होगी भैजी। अरे यहाँ ज्यादा क्या चाहिए तो थे? बस भैजी सब आपको ही आशीर्वाद। अरे शंभू तू दीदी प्रणाम प्रणाम बुला ठीक ठाक। हाँ सब ठीक ठाक। नंदा दीपा जर कुर्सी लिया भाई। अरे दिल्ली का बाबू है आची भाई दिल्ली का बाबू। क्या शंभू कुर्सी तो नहीं भी लिया सा कुछ है पर तू तो जन दू है मैं आज मुँह भर लेप लगी हूँ। पर बुला तू तो भोल आन वोल छा पर तू ठीक कर तू आज ही आएगे भाई बुल्ले बताना चाहे तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गए। मी बड़ा आदमी क्या दीदी। देख दीदी मैं कद कभी बड़ा आदमी है जाऊं पर अपने दीदी का वास्ता मैं ब्याले भी शंभू छो आज भी शंभू छो और अगने भी शंभू ही रोल। ठीक बोलो चाहे बुला तो मी थे हमेशा तुम्हारा आशीर्वाद की ही जरूरत राली। मैं आशीर्वाद तो दे दू शंभू पर के कन हद ऊपर मैं लेप लगे उच। अरे भैजी भैजी प्रणाम। भाजी प्रणाम। तुमने बताया ही नहीं भैजी होने वाला छो ना और एक सारू फैली हूँ। अच्छा फैली हूँ तो क्या भाई क्या घर मेरे नीचे हो का नीचे तो फिर। अरे अब सब बात एक में कला चला भीतर चला चला ना चला 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 भैजी भीतर चला भीतर। ओ भाई दिलीप ओ चला भैजी खानो भी बिल्कुल तैयार छे तुम्हारी पसंद को गौतू को फाणू। वाह वाह भाजी वाह खाना में तो बहुत ही मजा आएगी भाई शंभू जो स्वाद अपना यहाँ का खाना में ना वो कखे भी नहीं भगवान ना की कसम मैं दिल्ली चल रहा हूँ मद्रास चल रहा हूँ हैदराबाद चल रहा हूँ कखे भी चल रहा हूँ पर जो स्वाद यहाँ का खाना में ना मीठ है वो स्वाद कभी कखे नहीं मिले कखे नहीं मिले। अरे भैजी आप तो पता च यह हमारे सगवड़ी की सब्जी च भैजी। भैजी यह हमारी सगवड़ी च ना पिसने यह हमेशा हम तो साग भुजी देनी रहती। भैजी यह सब दीदी की मेहनत छ जो ये साग भुजी छ ना ये सगड़ियों का ही छन। अच्छा दीदी तब तो मिन भी एक बटे की घर के मूला ले जान को। अरे भूला ये मूला तो क्या तुम मिठाई ले जाओ दगड़ एक भली सगड़ बना दिल में तुम कौन तब याद कर ल मिठाई। हाँ दीदी तो ठीक बोनी छे यहाँ का अवस्था इतनी बार बार गढ़वाल में आऊं दू गढ़वाल में आए कि अपने खुद मिटाने की कोशिश भी कर दू और फिर मैं कखे भी रहूं दिल्ली बम्बई कलकत्ता कखे भी रहो पर मेरी आत्मा तो ये गढ़वाल में ही बसी छ और ये गढ़वाल में है कि मैं बार बार अपनी आत्मा ते मने कि यह कह कि खुद मिटाने की कोशिश भी कर दू। हाँ हाँ किले ना बिल्कुल तो ठीक बनो बोला। जी आप ये खींचो मीन तो आप तो सारो घर में ढूंढ आली। क्या बात छे बेटी इल्या क्या ये आपकी शाम की दवाई छे हैं मेरी दवाई। हाँ ताऊ जी ये सुबेर 7 बजे और ये 9 बजे फिर शाम को फिर 7 बजे और फिर 9 बजे 7 बजे और 9 बजे पर तू थे कैन बताए भाई। मी नहीं बता दू। बताओ ना कैन बताई देते। अरे कुछ ना ताऊ जी मैं आपको कोर्ट प्रेस करनु छो वे का खिस्सा में एक पर्ची मिली और एक दवा गौतम की लिखी पर्ची में सब लिखी हुई छी आपन कौन सी दवाई कब खान के क्या खान और क्या क्या नहीं खान तो ये गौतम की करामात छ बेटा हैं। पर भैजी ये गौतम को छ गौतम भौजी मेरो बेटा छ बेटा बेटा पर आपको तो एक ही बेटा छे। दरअसल माँ भौजी गौतम मेरी धर्म बहनों को नानू छू
अच्छा बहुत ख्याल रख दू मेरो, बहुत ज्यादा ख्याल रख दू मेरो। जब बीबी ते कोई काम पोड़ दो तो गौतम, इन्हें जाओ तो गौतम, जब देखा क्या चाहें क्या चाहें। अरे सच बताओ बोजी, हाँ। यू गौतम दगड़ामा बहुत बढ़िया गीतकार भी। अच्छा क्या गीत लिख दो और क्या गीत गान दो। सुनिधि, ए सुनिधि, क्या हुआ दीदी, इतना शोर क्यों मचा रही हो? ये चाचा जी हमते दिल्ली ले जा सकदन है? सच्ची? पर कैसे? अगर हम उठे कुछ इन कैरी की दिखाऊं जो उनको मन जीत ले। पर क्या? अरे लाटी, अपना संगीत से। पर दिल्ली में तो वेस्टर्न म्यूजिक बजता है, गढ़वाली नहीं। पर उठे गढ़वाली संगीत ही पसंद च, शर्त लगाऊं क्या? पर शर्त लगाना तो बुरी बात है दीदी। पर सवाल यो च, चाचा जी ते कन के इम्प्रेस कन। चल फिर नंदा दी के पास चल कर सलाह करते हैं। चल फिर। दीदी बड़ी मुसीबत आएगी। क्या बात च, क्या मुसीबत आएगी? वो दिल्ली वाले अंकल को कैसे इम्प्रेस करें? एक अच्छे से गढ़ वाले गीत सुनाए के। जब आपन हमते रास्ता सुझाए तो आप ही गा दिया ना गीत। अच्छा, जो बोले दरवाजा खोले, बड़ा चालाक छिन तुम दुइया। दीदी प्लीज चलो ना। चलो ना दीदी, चलो ना, चलो ना, ना दीदी, प्लीज चलो ना। बाबा चलो। या धरती च हमारे नारंगी के दाने, एक भाग चा जनजीवन, तीन भाग चा भारत देश। धरती माँ एक देश बस ऊंचा ऊंच भारत देश। धरती माँ एक देश बस ऊंचा ऊंच भारत देश। भारत देश का मुकुट बड़ी ऊंचा मेरो यो गढ़ दे। जय कुनोच उत्तरांचल, जय कुनोच उत्तरांचल, जय कुनोच उत्तरांचल।
जय कुनोचे उत्तरांचल, जय कुनोचे उत्तरांचल। धरती माँ एक देश बस्यू चा ऊंच भारत देश, धरती माँ एक देश बस्यू चा ऊंच भारत देश। भारत देश को मुकुट बढ़ू चा मेरो युगल देश। जय कुनोचे उत्तरांचल, 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 जय कुनोचे उत्तरांचल। यार दलीप, आज ही माँ का मंदिर माँ मितवे से एक बात बोलन चाहूं। बोल भाई शंभू, क्या बात बोलन चांदी छई? मैं नंदा ते हमेशा का वास्ता दिल्ली ले जान चाहूं छू। क्या बात बोलना छा आप? दिल्ली? हाँ दिल्ली। दरअसल दलीप, मैं धीरज का वास्ता तेरी बेटी अलग नंदा को हाथ मांगन चाहूं छू। अब देखना, धीरज के माते हैं भी मुरिया 20 साल वे गई। धीरज ना भी कभी दिल्ली के अलावा गढ़वाल देखी नहीं। हम जना लोग जो अपनो देश छोड़ेगी भैर बस गया। हम जना लोग होते अलग नंदा जन नौने की सख्त जरूरत है, किले की हम लोग और हमारा बच्चा अंग्रेजी सभ्यता में अंग्रेजी किताबों में इतगा अग्नि चल गया कि ऊँट है वापस लाना को काम केवल अलग नंदा जन नौने ही ले सकते। ये वास्ता में हाथ जोड़ लू, अलग नंदा मेरा बेटा का वास्ता दे दे। अरे नंदा मेरी बेटी तुम्हारे घर में चल जाली, इससे बढ़िया मीते और क्या चाहें। और दलीपो, तेरो बहुत बहुत धन्यवाद दलीप। बिल्कुल ना, जब हम अपनी नौनी था अकेला पुंगड़ तक मानी भेज दा तो दिल्ली कनकता भेज दिया। तू समझना की कोशिश कर चंदा, दुनिया रिश्तों की होंदी, कोई देश प्रदेश की नहीं होंदी। और फिर दिल्ली छह कद का दूर यार। दिल्ली भेजन क्या हीरोइन बना नौन था? अरे बुआरी, आजकल सब हीरो हीरोइन बनना छे ना। और फिर अपनी नंदा तो बीए पास छे अंग्रेजी में, वो टीवी भरने देखते ले वो जो अंग्रेजी डांस करो जो वो क्या छो नो वो माइकल इंजेक्शन है। दीदी इंजेक्शन नहीं बोला, माइकल जैक्सन छे माइकल जैक्सन। हाँ हाँ वही वही, राम 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 राम। और देख भाई सुन, मैं शंभू ते जबान दे चुकी हूँ। जुबान ते पिछले साल गोपी सरवाला तभी दिल छे तुम। मैंने उसे कोई वादा नहीं करी छो, बल्कि मैंने इन बोली छो कि भैया भी नौनी कॉलेज में पढ़नी छे और जब पास हो जाली तब एक बात सोच ला। और यार उन भी वो खान पीन वालू आदमी छन यार। पर वो लोग तो भरोसा पर छाए नंदा कौन बैठा छन था बैठन दिया। पर मेरी नौनी शंभू का घर जाली, यो मेरो आखरी फैसला चा भाई, आखरी फैसला। आखिर तुमने यो फैसला आप फिकर नहीं करी? अरे पहले जरा सोच विचार तो कर लींदो, आपस में बैठी की तो फैसला होंदो। अरे चुप कर यार, नंदा शंभू का घर ही जाली, यो मेरा आखरी फैसला चा। अरे बुआरी क्यों आये बुलत है? अरे दीदी, दिल्ली वाला अंकल तो चल गए नहीं, पर अपना परिवारक फोटो छोड़ गए। दिखो दिखो। सॉरी दीदी, इसमें तो दो लड़कों की फोटो है, लेकिन धीरज कौन है? पिताजी तो पूछना भूल गए और वो बताना भूल गए। ओह नो, धर्म संकट, कंफ्यूजन में कंफ्यूजन दीदी। पर दिखो तो से। दिखाती हूँ भाई दिखाती हूँ। ये है नंबर वन और ये है नंबर टू। अब आप बताओ इसमें से असली हीरो कौन है? बताओ ना दीदी बताओ ना। ना ना सोच लो आराम से। मैं बताऊं? योच। ना ना मैं बताती हूँ। ये है। दीदी आप बताओ ना, धीरज कोच। मैं बताऊं? हाँ दीदी बताओ ना। योच धीरज। भूली सुना है ना लक्ष्मी, क्या बात है भाई, किले छा तुम गुमसुम बैठे हैं? भेजी क्या ये सच है? धीरज कुण आपन नंदा खात मांग? हाँ भूली हाँ, मैं तो दलेप दगड़ी वादा कह रही की ब्याह क्यों? ठीक क्या आपन, पर आप ये भी जान लो छा गढ़वाल की पवित्र और निर्मल धोली थे दिल्ली के गर्म थेपड़ों में लाने की कोशिश करना छो आप? जड़ दू छो सुना है ना, पर हमारी संस्कृति
हमारी आने वाली नस्ल यूं सब की रक्षा वो कारल सुना है ना नंदा। बकवास, धीरज को ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं हो सकता। मैं जानू छू लक्ष्मी, जानू छू, पर शायद तो भूनी छे कि धीरज मेरो बेटा छे, मेरो मेरी बात कभी नहीं डाल लू। इम्पॉसिबल भैया, धीरज गढ़वाल जाना पसंद नहीं करता तो वहाँ की लड़की क्या पसंद करेगा? धीरज मॉडर्न है, क्या वो गढ़वाल की लड़की से शादी करेगा? इम्पॉसिबल भैया, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल? अरे इम्पॉसिबल दे पॉसिबल बने कि हम दिखोला, याने मी और मेरो गौतम, मेरो उस्ताद। नमस्कार। इस हफ्ते के कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं गढ़वाली मशहूर गीतकार मिस्टर गौतम को। आइए अब हम चलते हैं उनसे बात करने को। मिस्टर गौतम, आप गढ़वाल से दिल्ली कैसे आए? दिल्ली तक तो मेरा आना बस से ही हुआ था। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। वैसे मेरा जन्म देवभूमि उत्तरांचल में हुआ, मैं पौड़ी जिले का रहने वाला हूँ। तो आपका जन्म देवभूमि उत्तरांचल में ही हुआ, राइट? जी हाँ, पर मैं कोई देवता नहीं हूँ, एक साधारण सा गौतम हूँ, और वो भी कलयुगी। मैं कोई 10-12 साल का था कि मेरे माँ बाप का देहांत हो गया। मेरे पिता एक संगीतकार थे और माँ एक टीचर, तभी से मैं अनाथों की जिंदगी काट रहा हूँ। फिर मुझे मेरी माँ के धर्म भाई शंभुनाथ जी ने पाला, वो मेरे गार्जियन बन गए। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर क्या था, मैं दिल्ली आ गया। कुछ समय यहाँ कुलीगिरी की टैक्सी ड्राइवर भी रहा। उसके बाद जब शंभुनाथ जी को पता चला कि मुझे गीत गाने का और लिखने का शौक़ है, तो उन्होंने मेरे लिए एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप का इंतजाम कर दिया और साथ ही साथ अपनी कंपनी में मुझे मैनेजर की नौकरी भी दे दी। और बस उसके बाद से गीत गा रहा हूँ, रियाज कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। ये तो जनता का प्यार है जो मुझे इतनी प्रसिद्धि मिली। आपको कभी उनसे कोई शिकायत नहीं हुई? कभी भी नहीं। कभी किसी तरह का कोई झगड़ा हुआ हो? नहीं भाई। अच्छा ये बताइए, आपने अपनी मन की बात कभी किसी को कही? अरे मैं अपनी मन की बातें ही तो गीतों में लिखता हूँ, सभी से कह देता हूँ। अच्छा गौतम जी, एक बात बताइए, कोई तो ऐसी होगी जिसे देख के आपके दिल की घंटियां बजी हों, आपकी दुल्हन बनने लायक हो, आपकी प्रेरणा हो? जी मैं कभी इन चक्रों में पड़ा नहीं, पर हर आदमी की एक तमन्ना तो होती है, मेरी भी है। होगी कहीं पहाड़ों की हसीन वादियों में, डांडी काठी माँ, हिमालय काठी माँ, फ्योली जन खिल दी होली।
की धूप चवा, वीणा की तान चवा, सुपनों की गीतान जलीवा, बलखां दी बेल चवा। हे झाड़ू मा की धूप चवा, वीणा की तान चवा, सुपनों की गीतान जलीचा, बलखां दी बेल चवा। बलखां दी बेल चवा, बलखां दी बेल चवा। हाँ यनी ही होली, यनी ही होली मेरी सुपन्याली बांध, सुपन्याली बांध, सुपन्याली बांध। अचरयुग राग चबा, रस को फुहार चबा, फूलों की घाटी आँखों मा, रेशम की डोर चबा। हो अचरयुग राग चबा, रस को फुहार चबा, फूलों की घाटी आँखों मा, रेशम की डोर चबा। रेशम की डोर चबा, रेशम की डोर चबा। हाँ हाँ यनी ही होली, यनी ही होली, यनी ही होली मेरी सुपन्याली बांध, सुपन्याली बांध, सुपन्याली बांध, सुपन्याली बांध। हाँ सुपन्याली बांध, सुपन्याली बांध, हो सुपन्याली बांध, सुपन्याली बांध, सुपन्याली बांध। हाँ धीरज। अरे गौतम भाई कक्ष है यार, बोल क्या बात छे। अरे यार समस्या ये छे भाई कि पिताजी कोई नौ नहीं देख के नहीं गढ़वाल बटी, वो भी मी खुणी। ये वास्ता तुम थे बुलाई बिल्कुल यकुली। यकुली? हाँ हाँ तुरंत अभी बुलाए। अच्छा चल मैं आंदू छो। हरी अप मैन, वरना पिताजी मी थे गढ़वाल में झोंक देला। अरे तू फिकर नहीं कर यार, मैं सब सामान ले लू। अरे गौतम यार जल्दी आवा जल्दी। अच्छा ये बताइए आपको आज का इंटरव्यू कैसा लगा? बिल्कुल आपके जैसा खूबसूरत। लगता है आप शंभुनाथ जी को बहुत मानते हैं। जी बहुत, शंभुनाथ जी के सामने मेरे लिए कोई भी कुछ नहीं, मैं खुद भी नहीं। पिताजी आपन मैं तें बुलाया क्या? हाँ गौतम मैंने बुलाई। देख बेटा धीरज कभी गढ़वाल नहीं गई और गढ़वाल जान नहीं चांदू, पर मी चांदू छो, मी चांदू छो कि वो वख जाओ, वखा की धरती की खुशबू सुंघने की कोशिश कर, वखा की आब हवा में रम जाओ, अलकनंदते समझो, मी दगड़ी ब्यो कन्ना की दिल से कोशिश कर। देख बेटा ये मेरी जिंदगी की सबसे अहम और जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा छ, और ये थे तू ही पूरी कर सक, किले कि धीरज तेरो भला भी छ और तेरो दगड़िया भी छ। पिताजी आप चिंता नहीं कर रहा, अगर आप यही इच्छा छे कि धीरज शादी नंदा दगड़ी हो तो यह नहीं हो लू। ओ बेटे गौतम आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। थैंक यू बाबा। जीता रहे बेटा जीता रहे, शाबाश। हाँ मिस्टर जीएम। हाँ हाँ उसे छुट्टी दे दो यार। अरे यार लिख के देने की क्या जरूरत है, मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ हाँ इसे मेरा ऑर्डर ही समझो भाई। ठीक है। धीरज सर ये फूल। वाओ फूल के हाथ में फूल। सर ये फूल मैंने नहीं आपके फ्रेंड ने भेजा। फ्रेंड ने?
किस फ्रेंड ने? इस फ्रेंड ने। गौतम आ यार बैठ। और धीरज क्या होने चे? बस सब ठीक चे। लिया बिस्किट खा। ये लो। नो थैंक्स सर। अरे ले लो ना। थैंक यू सर। भाई गौतम फूल तो बहुत ही अच्छे चे पर मीते पता चे कि तिन फूल के लिए भेजी है गे ना पिताजी का चक्कर मा। अरे मी जण दू छऊ कि मीते गढ़वाल तो जान ही पड़ लू। यार तू तो जान दी छे ना पिताजी की आदत। हूं कसम नी तो कह कि चल दी नी पर पिताजी ने एक काम बहुत अच्छो करी। अरे क्या अच्छो करी? अरे नौनी पसंद कनु वो काम मीते दे दी। क्या मतलब? मतलब यो चे कि मैं नौनी पसंद करूं कि ना करूं मेरी मर्जी। अरे गौतम मैं तो नौनी ते रिजेक्ट करके भी छुटकारा पा सकदू। अरे मेरू एक दावा छे तू एते गढ़वाल बहुत पसंद आलू एक बार चल तो से। जान तो पड़ ली पर मैं भी तेरा दगड़ जालू। समझ लिया। नंदा दीदी हमते पता चल गई क्या वे किले चिल्लाना छो। हमें पता चल गया है कि हमारे जीजाजी कौन है। कुछ आपके राजकुमार जो सोमवार को आ रहे हैं। पर तुए कन में पता चल गया कि यो धीरज जीजाजी ने अपने दोस्त गौतम को भेजा है यहाँ इंतजाम करने के लिए। गौतम जी पिताजी का दगड़ी आना छिन। जा कपड़े बदल के देख क्यों क्या बात का ना छिन। अच्छा दीदी दीदी हा? वो आएगी ना। अच्छा आएगी हाँ। अरे वाह वाह बहुत ही बढ़िया मकान छे। अरे वाह आप लोगन तो फूल भी उगाए छन है क्या बात छे पेंट वेंट नहीं करे के बोलन बेटा पैसा टकाई खत्म हो गए। अच्छा उन धीरज का बारे में शंभू ने मीते फोन पे बताया छ। हाँ बताया हलो वे की जिंदगी बिल्कुल बिलायती अंदाज की छे। गर्मियों में तो एसी से बाहर नहीं आंदू और जब भी ठंड पड़ती दिन भर हीटर बिटिन बाहर ही निकल दू है। हाँ एक बात और धीरज ने बदबू बदबू बिल्कुल पसंद नहीं चे। ये बदबू कब बिटी नानी चे। अरे नहीं नहीं मकान छो भाई ये कुकर तो बह निकाला चला चला बह निकाला। अरे ये गौड़ी एक इन्हें ची बांधी है कुछ दूध दाद भी दे दिए। हाँ ये गौड़ी नहीं बल्द छन बल्द। हम तो क्या मालूम हम तो जिंदगी भर शहर में ही रहे। धीरज ने कुकर गौड़ी इन सब चीजों से एलर्जी च वे ते जुकाम हो जाए बुरा नहीं माना वा। मैं ये सब आप लोगों का भला का वास्ता ही बताना चाहूँ। दीदी दीदी बड़ा अकड़ू है बोल रहा है हमारे कुत्ते को बाहर कर दो। यो मनखी छे या तो चिंता नहीं कर मैं ये थे जल्दी आदिम बने दियुल। पर कन के बने ली दीदी यहाँ को इलाज छे चुमीमा। पर इन तो बताओ क्या कर ली तू क्या कन क्या कन आइडिया। नमस्ते जी। नमस्ते जी मैं दीपा हूँ। अच्छा और नंदा कक्ष नंदा दीदी नमस्ते जी। नमस्ते जी नमस्ते आप नंदा चंद जी। चाचा जी को भी जवाब नहीं आप जन नो नहीं पूरा उत्तरांचल में क्या पूरा भारतवर्ष में ही नहीं होली। हाँ जी भैजी 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 हाँ जी गौर मत टेलीफोन से क्या हाँ जी है जरा चला मेरा दगड़ी चला चलो जी। अरे भाई जल्दी चला 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 हुरे बड़ी देर बड़ी ट्राई करनु छो पर टेलीफोन ही नहीं मिल दू। अरे बेटा गांव की बात ही नहीं होंदी कभी मिल जान कभी नहीं मिल दू। अरे इन क्या जरूरी बात करन ना ना इन कोई जरूरी बात नहीं छे बस पिताजी से बोलनु छो कि मैं ठीक ठाक पहुंच गया। हेलो अच्छा 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 शंभू भाई नमस्कार। हाँ 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 सब राजी खुशी छन गौतम। अरे बहुत अच्छी तरह पहुंच गए एक ही च। अच्छा 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 नंदा दगड़ बात करण। हाँ हाँ बेटी नंदा जी पिताजी। अरे यार ताऊ जी को फोन आयु छे जरा बात करने को आओ। आणु छो पिताजी। अरे होल्ड छ करियो फोन जी पिताजी। झट आओ बेटा। Hey, 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 hey.
साहब वो साबुन का रखना है? अरे वो ही रख दे धीरज का कमरा में। ठीक है साहब। अरे सुन। हाँ साहब। ये नौनी कोच? वो नंदा। तो वो कुछ है? वो है पंगा। अच्छा साहब, कोई बात है क्या? ना ना तू जा। बाबूजी आप भी कमाल छा, आपकी पसंद भी लाजवाब है। आपका नाम गौतम जी, आप धीरज जी का दोस्त छी ना? मैं जान दू छू, आप मी ते और मेरा घर ते देखनु आया ना, मैं सब कुछ जान दू छू। मी से गलती हो गई, माफ कर देना प्लीज। माफ कर देना प्लीज। वेरी गुड, दुनिया में जित का भी अच्छा लोग छन, सब अपनी गलती पर तुरंत माफी मांग लेने। आप ठीक बोलना छा, बल्कि मैं तो इन भी बोलू कि दुनिया का जद्दा भी अच्छा लोग छन, वो दूसरा की गलती पे तुरंत माफ कर देता ना। और आपको चेहरा बताना चाहिए, आपने भी तो माफ कर दिया है। और आपकी मुस्कान बोलनी चाहिए कि हमते तुरंत घुल मिल जान चाहे तो किले। और आपको हाथ बोलने चाहिए कि तुरंत हाथ मिला देन चाहिए। ठीक? बिल्कुल ठीक। तो फिर दोस्ती पक्की? बिल्कुल पक्की, पर जो चीज जखी चाहे वखी रह ली, आप तो कोई एतराज नहीं हो। ना ना नीते तो कोई एतराज नहीं ची। मैं तो परेशान हो गई हूँ नौनियों से, तुम दोनों से मिलकर गबार समझे, घर में जब कोई मेहमान आई तो एक आदर सत्कार करन चंद हैं? इन परेशान करती मेहमान थे, कभी बुढ़े बने की, कभी चश्मा पहरे की, कभी गोबरक बदबू फैला की, कभी कुछ शर्म लिया छेंच की ना। मिथे इन लगनो चा कि वो नौन तुम थे देखने को नहीं, तुम वो नौन थे देखने को नहीं आछो। हे बुआरी समझ ले जरा अपनी बेटियों थे। पता छे तुम थे गौतम हमारी भलाई का वास्ता आयो छे। हाँ हाँ देखा बेटा, गौतम तो बिल्कुल उन्नी छे जन ड्रामा मा डायरेक्टर हीरो हीरोइन तो मिला दू, उन्नी गौतम हमारा भलाई का वास्ता यु काम करनू छे। और देखा भूल धीरे जानू छे, वे का आन पर मैं पार्टी देनू छो। और कखी तुम ये पार्टी में इन्नी करे जन घर में कर दिया कचकचाट अपनी माँ दगड़। देख छुटकी तू इचे सबसे ज्यादा शरारती, इन नौ वक्त जाकर नाक ही कटा दे ले हमारी। अरे इनके लिए कर सकते टंगड़ी नहीं तोड़ दूल, ये जो टंगड़ों पर तुम खड़ा छो ना ऊँध है तुड़वा का धर दूल। हाँ अरे पुपू जी आप ये कन बात छ करना, आप तो यन बोलना छा जन आपका भी नौनी रह नहीं होला है, आपन भी तो कभी बचपन में शरारत क्या होली ना। चुप किले छा हंसना, अरे तुमन भी तो भूल बड़ू होन। बाबूजी अब तो हम लोगों की दोस्ती होगी, पर मैं इन लोगों से एक बात बोलना चाहूं, आप लोग मीते जो भी समझा धीरज को दोस्त भय या नौकर आप लोगों की मर्जी छे, पर मैं आप लोगों ते एक बात बताना चाहूं, धीरज जन नौनू पूरा दिल्ली में क्या आप ते पूरा हिंदुस्तान मानी मिलू, अब देखना दिल्ली वटिन कदका शान से आंदू अपनो राजकुमार। साहब आ गए आपके राजकुमार, उनकी कार के टायर हो गए पंचर चार, छीकते छीकते हो गए बीमार। चल मेरे यार चला दे, चला चला चला। आओ 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 चलो दिया। ये भगवान ये क्या होनो छे, जोर लगा के हईशा, जोर लगा के हईशा, जोर लगा के। अरे भाई यन तो होनो ही छो, और जब शंभू भाई आए छो तब तो सड़क भी नहीं छई। हाँ। जोर लगा के हईशा, जोर लगा के हईशा, जोर लगा के हईशा, जोर लगा के हईशा। वेलकम टू उत्तरांचल राजकुमार जी, वेलकम टू उत्तरांचल। कदगा सुंदर लगनो जमे राजा। आहा
ऐसा लग रहा है बुआ जी जैसे किसी ने मारा पीटा हो। अरे इतना दूर बड़े चल गानो, हालत खराब नहीं होने क्या, पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं। चुप बिल्कुल। और बुआरी नंदा का तो भाग खुल गई, क्या सुंदर नौन मिली उस। अभी अभी खड़ो रहने क्या, चाय पानी के इंतजाम नहीं करो, चला 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 नौन आएगा। अरे पुपू जी जरा आराम से, काकी बिना सीढ़ी का मुड़ी पहुंच जाला। अरे हट, चला 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 चला। तबियत खराब होनी छे, ये कह तो पानी बदल गी ना। हाँ हाँ पहल बार आयो ना गढ़वा, कोई बात नहीं बेटा ठीक हो जाए। पर इन करो तुम जरा अदरक का चाय बना के लियाओ एक कप। अदरक का चाय गरम नहीं होली? अच्छा वेल गरम, जरा पर बुआ से समझा कर तो भाई। अरे दीदी सुन दाई कक्षन ये मेरी। अरे जा भाई जा चाय बना के लियाओ बेटी सुनी दी। और ये तो बिल्कुल लाट प्यार में रह गई। मालिश कर। अरे दीदी ये बिल्कुल बोलियो नहीं मान दी कह को। क्या रे ना मुंडम चढ़ा छे अपने बताए। ठीक बोलन बस। जा चाय बनाए लो। घबरा मत बेटा ठीक हो जल है। ठीक हो जल ठीक हो जल, घबराना। अभी अदरक का चाय पेल तू और एकदम दौड़न बढ़ जाए। अरे शंभू भाई बड़ी प्रतीक्षा कराई थी यार। दीदी प्रणाम। अरे प्रणाम 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 प्रणाम। और ठीक ठाक सब आशीर्वाद चापको। ताऊ जी प्रणाम। प्रणाम बेटा प्रणाम। अरे नंदा कंचे तो मैं ठीक छु। शाबाश बेटा शाबाश। बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। शंभू भाई नमस्ते। अरे दीदी क्या हाल छन? बस ठीक छन। वो भैजी हम तो ब्याली बटी इंतजार करता करता थक गया। अरे यू भी एक सरप्राइज है दलीप, सरप्राइज कब भी टाइम से पहली और कभी टाइम का बाद। बोला शंभू अब दो तीन बहुत देर कर दिया। ना दीदी ना ऐ तुम्ही टाइम पर ही गए छो, पर किरे की तुम बहुत देर बट इंतजार करना छा, ये वास्ता तुम थे इंतजार की घड़ी काफी लंबी लगी होली। भाई कुछ भी बोल शंभू, नोन प्यार बहुत ही अच्छे छे, एकदम संस्कारी, समुद्र की तरह एकदम गंभीर और शांत। वाह भुला वाह क्या संस्कार दिया छे तेरा नोन थे। सब तुम्हारी कृपा छे दीदी। जनंदा बेटी पानी ले तो, और रामू तभी बुला ली, चल मैं भी चलूं तेरे साथ। जी माँ चल जी। अंकल को नमस्ते करा। और बोला सब कृपा छे अंकल। नमस्ते नमस्ते भाई नमस्ते। और दलीप सब ठीक चंदू ना? सब ठीक चंदा जी। नमस्ते डैडी। नमस्ते। और धीरज बेटा क्या हाल चाल? सब ठीक छे डैडी। और सब बढ़िया? पिताजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गौतम। बोला उस्ताद जी क्या हाल चाल ना? ठीक छे पिताजी। भाई बहुत ही बढ़िया नाम छे यार प्यारे, मीठा तो बहुत पसंद आयो। वाह बुआरी सब ठीक छे ना इंतजाम? दीदी क्या बताऊं, तुम्हारे भैज ने इतना बुलाएली कि धीरज भी परेशान हो। एक निकाम छे, पर तू इनकर मेहमानो देखभाल कर। ठीक छे। और प्रोग्राम शुरू हो गए के ना? अभी नहीं बे। चल ठीक छे मैं जाऊं से जरा, तू देख था के? अच्छा छोरी तगड़ी जोला दिल्ली की सैर, छोरी तगड़ी जोला दिल्ली की सैर, पटमोरी जोली तेरा सोते बगैर, समझी क्या मैं तेरी चाल दिल्ली की सैर, समझी क्या मैं तेरी चाल दिल्ली की छोरी तगड़ी जोला दिल्ली की सैर, समझी क्यों मैं तेरी चाह दिल्ली की तेरी आंखी भुगती के जन साकी, ठुमक ठुमक जब हिट दिया
मन खे दो पापी गजरण तेरी आखी घुगती के जन साकी ठुमक ठुमक जब हिट दियो मन खे दो पापी हिट छोरी तगड़ी जोला दिल्ली की सैर हिट छोरी तगड़ी जोला दिल्ली की सैर स्वाणी लगदी तेरी घुंघराली लटोली जान पाई गौड़ मीता सब कुछ क्यों भूली कतगा स्वाणी लगदी तेरी घुंघराली लटोली जान पाई गौड़ मीता सब कुछ क्यों भूली हिट छोरी तगड़ी जोला दिल्ली की सैर ओए ओए हिट छोरी तगड़ी जोला दिल्ली की सैर पट मोरी जोली तेरा सोते बगैर समझी क्या मैं तेरे चार दिल्ली की सैर समझी क्या मैं तेरे चार दिल्ली की सैर मिनके नाड़े ये गढ़वाले अब तनी चरखेरी हिट छोरी तगड़ी जोला दिल्ली की एलर्जी चार ठीक हो जाए। बेटा इछन गांव का प्रधान जी। नमस्कार बेटा हिंदी बोल लूँ चा। कोई परेशानी तो नहीं चे गांव माँ। गांव पुलिस चो। खाली हम उन चार बदमाश पकड़े छन। ना ना प्रधान जी। फिलहाल तो सब कुछ ठीक ठाक से। आप गिच्चू मीठा करा। चला प्रधान जी। आवा आवा। गिच्चू हाँ चलो। ए बुई क्या हालत हो गया ये नौना की अरे थर, थर, अरे अरे तेरे नजर जी, क्या हो रहा है बेटा तेरे नजर लगी तेरे नजर उतरनो छोमी अरे व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार नजर लगी मेरे के बोनो के बोनो जी नौनो बुबू जी बोनो जो के नंदा का कच्चे अच्छा नंदा नंदा बेटा तैयार होने छ अब ब्याणी छुआ हां चला 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 अरे मेरो दम घुटनो छ यार जरा मैं चेंज करके आऊं बी कंफर्टेबल यार ओफो पिताजी ने भी मुझे कहां फंसा दिया सुनिधि तिलो ते देख छ कन लगे में बिल्कुल राजकुमार सच पर हमारी दीदी भी कम थोड़ी ना है बहुत काम पड़ी चु अभी बहुत काम करने मिले अरे पुपू जी हाँ बेटे ये नंदा का चु बेटा वो जरा तैयार होने चु आने चाहिए धीरज मुड़ी वेट करने चु बहुत देर बेटे से देख से अभी क्या हाँ
गौतम निकन लगने छौ। वाह कमाल कर दी। देखा मिन बोली छौ ना, जब मैं तैयार वे जालू तो देखता रह जाला। ये हुए ना बात, पर यार ये इतका जेवर क्लेशन पहने आ धीरज ते हैं, जेवर वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं, वे ते हैं साथ की पसंद चीज। चला उतारा ही ते। फिर भूल गया तू मिन बुआना मिचे नीचो मिल उनी रो। अरे ना 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 वो बात मैं करना भूल सकते हैं। चला मैं तुम ते धीरज से मिला लू। यखी मोरू का वह काफी भीड़ चे, मैं धीरज ते यखी बुला दू है। और धीरज बैठा। तू यखू बैठ, मैं जरा नंदा ते लेके आदूगा। ओ नंदा ये ची नंदा। हेलो। नमस्ते। आप चाय पी ले ठंडा? चाय चीनी का तगा चम्मच? एक चम्मच डाल दीजिए। एक चम्मच और। अब इन काम करा दो चम्मच और डाल दें जरा। क्या करनी चाहिए नंदा? दो चम्मच और। मर गई बेटा। रे इन काम करा तुम, यू सब भी डाल दी ऊपर हैं? ले बेटा गए भैंस पानी में। यू चाय थे तो आप ही पी लिया, हम तो जूस ही पीला। क्या नहीं तो कोई बात छे क्या? ना ना मैं तो बस ये पूछना चाहंदो कि तुम्हें ते कान लगी कू नंदा? छोड़ ना यार मुझे तो नींद आनी चाह। तो फिर मैं अपनी बात ले लूं क्या? यार गौतम इन लगड़ो छे कि तुझे नींद नहीं आनी चाह, फालतू की बात करना चाह यार। नंदा जी क्या बचपन बटे ये की छा? हाँ हाँ पिताजी लिए कूड़त बाद में बनवाए, पर विन मेर जन्म गाँव कुछ। अरे नंदा जी मेरो मतलब ककी भैर दूसरा शहर में, जन दिल्ली मुंबई या कलकत्ता वगैरह भी कभी आप गयो? अरे अपन घर छोड़ के पागलों की तरह किले जान का की घूमने को? भाई घूमने को तो लोग हमारा उत्तरांचल माने, जो प्रकृति की अनमोल धरोहर छ, फिर ककी और जाने की क्या जरूरत छ? अच्छा बड़ू ना अच्छा अपनी जगह जमीन पर किले ना, आखिर देश को ताज हिमालय भी तिया खींचे। अच्छा नंदा मैं तुमसे कुछ जीवन की बात करनु चाहूं। जीवन मी नहीं जान तो क्या जीवन ते? अरे ना भाई हमारो अपनो सांसारिक जीवन का बारे में।
तो बोला ना क्या बात छे। यख रास्ता माना कखी एकांत में चली के बात कर दा। मानु मना कह रही क्या एकांत में जानू को। क्या तुम अपना हर काम माजी पिताजी से पूछ के कर दो, अपना फैसला खुद नहीं ले सकता। अरे अब तुम बड़ी वेगी समझदार छो। फिर माँ बोल दी जब तक ब्योनी वे जान हर नौनी ते बच्चा बन की रेण चैन। अरे यार तुम तो बिल्कुल लाठी छो। अच्छा और बतावा ना मेरे बारे में। अच्छा एक बात बताओ तुम थे डांस करनू आदू छे। हाँ हाँ की लेना कैर के दिखो क्या। अच्छा आदू छे तो दिखो ना। चमकली चूड़ी खनकली कमर लसकली खंडल सरकली पिंदली चमकली हाय चूड़ी खनकली कमर लसकली खंडल सरकली हो छम 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 तेरी जेवरी बाजाली हो छम 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 तेरी जेवरी बाजाली पिंदली चमकली चूड़ी खनकली कमर लसकली हाय हाय खंडली सरकली हो छम 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 तेरी जीवरी बाजाली हो छम 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 तेरी जीवरी बाजाली। गदनियों को पानी चुम चुम कनोचा चुम चुम कनोचा उबितरनो लेके कुछ यनी बनोचा कुछ यनी बनोचा गर गदनियों को पानी चुम चुम कनोचा उबितरनो लेके कुछ यनी बनोचा हो छम 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 तेरी जीवरी बाजली ओ छम 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 तेरी जीवरी बाजली। उचिनिस डांडो मकन मोलरे अयूचा मोलरे अयूचा जनी कोलर तेरो मिखुड़ी धरोचा मिखुड़ी धरोचा उचिनिस डांडो मकन मोलरे अयूचा जनी कोलर तेरो मिखुड़ी धरोचा हो छम 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 तेरी जीवरी बाजली ओ छम 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 तेरी जीवरी बाजली। पिंदुली चमकली चूड़ी खनकली कमर लसकली खंडल सरकली पिंदुली चमकली हाय चूड़ी खनकली कमर लसकली खंडल सरकली हो छम 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 तेरी जीवरी बाजली ओ छम 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 तेरी जीवरी बाजली हाय छम 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 तेरी जीवरी बाजली ओ छम 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 तेरी जीवरी बाजली।
क्या करनी छे बेटी? कुछ ना पिताजी, कपड़ा सुखाना छो। एक बात तो बताओ बेटा। बोला पिताजी। यन बताओ, तो ऐसे धीरज कन लगी ठीक छे ना? ना ना, आप बताओ। अरे मैं तो ऐसे पूछनु छो, कन लगी धीरज? आप बताओ ना। मैं नहीं बताऊ, मैं थे भी नहीं मालूम। अच्छा, मैं शंभू तो बता दे दू फिर, और धीरज से भी बता दे दू कि भाई हमारे नौनी तो नौनू पसंद ही नहीं छे। ना ना पिताजी, मिल इनका बोली। अच्छा समझी गयो, मेरी नौनी ते पसंद चा भाई पसंद। पिताजी, ये धीरज आपसे कुछ बात करना चाहते। हाँ बोल बेटा बोल, क्या बात छे? डैडी, नंदा केवल गढ़वाल का वातावरण से वाकिफ छे, वी थे शहर का बारे में भी कुछ पता नहीं छे, रहन सहन व और भी कई सामाजिक दायरा छन। तब मिन सोची कि किले ना हम नंदा थे अपना दगड़ी दिल्ली ले जाऊं, वखा का रहन सहन और शहरी वातावरण से भी वाकिफ हो जाली। बेटा बात तो ठीक बनू छे, पर ये लोग मान भी जाला। एक बार तो दलीप खैर मेरी बात ते मान भी जालो, पर ये घर में और भी लोग जो छन, वी की माँ वी की फूफू, ये लोग बहुत पुराना विचारों का छन बेटा। यूं लोग होते हैं मनान होते हैं बहुत ही मुश्किल काम छ, पर खैर हर्ज भी क्या चीज कोशिश करना, वहां करदा छा कोशिश, कोशिश करके देखदा छा जो होलो दिखे जालो। पर वो ब्यो से पहले मान जाला? वाला उस्ताद जी, क्या विचार छो तुम्हारो? काम तो मुश्किल छ पिताजी, पर जब आप आदेश करला तो हो जालो। पिताजी आप तो जान दई छो कि अभी अगर वह हमारा माहौल में घुल मिल जाली तब ब्यो का बात कैद तरीके से भी परेशानी नहीं वेली, मेरे उठनु बैठनु समाज पार्टी सभी देख ले ली तो ठीक रहा लू। बिल्कुल ठीक जी बेटा, चल खैर हम भी कोशिश करके देख दा छा जो होलो दिखे जाली ठीक छे। अरे त्यार दिमाग खराब तो नहीं भाई, क्या जो ब्यो से पहले ना उनके ससुराल भेजनु छे, मैं पूछनु छो इतका भी क्या अंतर है छे? नयो रिवाज का बटिया है यू, ना भूलो ना इन तो नहीं हो सको। अरे माना कि हम हाई सोसाइटी से बिलोंग कर दो, पर हम रीति रिवाज तो नहीं बदल सकता, और फिर ये हमारी संस्कृति भी नहीं जुड़े। अरे बस करा यार, यूं से राय मशवरा क्या ले ली कि बस गुनाह कर दी मैंने। अब इसका क्या बोली कि मेरा मुंड में ही चलना छन भाई। दिलीप भाई, वो जो तुम्हारी धर्म बहन छे वो अभी दिल्ली रान ना? हाँ बिमला रहती वक वो महरोली माँ। तो किले ना ही नौनी थे कुछ दिन का वास्ता फूफू का घर भेज दिया। अब ठीक छे ना, अपनी फूफू का घर भी नहीं जा सकती क्या? हाँ किले ना, अरे कैक ताकत जो रोक दिया। अरे दीदी मैं तो बोलू छो कि कुछ दिन का वास्ता आप लोग भी चला, अरे घूम फिरी किया जाला। ना भाजी ना, इन नहीं भेज सकदू। अब एक ही देखा ना, कारोबार छ घरम गौरू भैंसा नौकर चाकर सब छन, वो तो कख छोड़न इन नहीं छोड़ सकदू मैं। पर नौनी का दगड़ी क्या था तो भेजनी पड़ोलू ना? मेरा ख्याल से तो दगड़ी दीदी चल जाली। देख भाई शंभू, बिजी तुम्हें बहुत छो, पर दीदी इनके करनी छे तू। तू चुप रह ना, फेशियल तिल करन के मिले। पर तू इतना जिद करनु छे तो चल चल जोलमी, पर मिथे एक दिन पहले बता दे नित्र में नहीं जा सकत भय। एक दिन पहले का दीदी, मैं तो अब भी बता दे नु, बोल सुबेर जान बोल सुबेर। और हाँ जान से पहले ही तैयारी भी कर ले अपनी, फेशियल फूशियल क्या हों तेरो। वाला अब तो ठीक छा ना? बिल्कुल ठीक। अच्छा तो मैं अपन जाना तैयार कर दो हैं, तेरा फेशियल फूशियल भी कर दो हैं। अरे भाई नंदा कक्ष वीन भी तो तैयारी करना अपनी। नंदा तो बोलनी चाहिए, मैं पुंगड़ियों में जानू छो। नंदा बेटी तू एक छे बैठी, मैं तो ऐसे सब गांव में ढूंढनो छो, किले छे उदास, क्या बात छे बेटा? पिताजी अपनी पुंगड़ियों ते देखनो छो, फिर क्या पता मौका मिल दो या ना मिल दो। हट पगली, इन नहीं बोल दन, ये तेरा अपनो घर छे, जबर तेरा मन हो ना ता जे इन नहीं बोल दन। पिताजी एक बात बोलो। बोलना बेटा, क्या बात छे? मेरी अकबर जान की इच्छा नहीं छ। जान तो पढ़ लू ना।
और तू रोनी की लहजे बेटा, बेटी तो पराया धन उन्नत बेटी, और जब तेरे जी कर लो अपने पिताजी में आ जा, और जब हफ्ते टाइम लग लो तो हफ्ते में आ जाना, और आखिर में तो ऐसा मालूम छे बेटी तो पराया धनी उन्नत ना। आपके लिए रोना चाहता नहीं का खरोनु चो तितर रुलाए नहीं आप मुझे दिलाए नहीं थे नंदा बेस्ट ऑफ लक। देख परेशान ना होवा, उग भी सभी लोग अपना ही छन। क्या मतलब तुम नियोणा छी तगड़ी? मेरी ड्यूटी यखी तक छे, अब अपना गांव जालो वेकअप आदा जालो। अरे तुम्हारा भरोसा पर तुम ही जान छु, अगर तुम उल नहीं जान तो मिल भी नहीं जान, जावा मी तो तुम्हारी जरूरत नहीं छे। नंदा समझण की कोशिश कर, यन बचना। अरे नंदा जल्दी आ भाई, देर हो जाल, रात हो जाल तो बहुत मुश्किल हो जाल, और जल्दी चलो भाई। नंदा देर होनी छी, चला भाई बच्चा जल्दी करा ना। चला 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 भाई बच्चों जल्दी करा यार। अरे पुनः सरक चल मेरे बटन दे, चल 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 पुनः सरक। अच्छा धीरज ध्यान रखियो। बैठा बैठी आप भी बैठा ना, बैठा। नंदा आराम से जावा। अच्छा भैजी वक्त जाए करके नंदा का ध्यान रखना, हाँ मैं फोन कर दूँ। रहे क्या की चिंता नहीं करी बुलाओ। हाँ अरे जन तेरी नौनी चे इन्हीं मेरी नौनी थी चे, ठीक चे कोई चिंता नहीं कर रही। अच्छा नमस्कार प्रणाम भैजी प्रणाम। चल बैठे और चल ध्यान से जाए। ताऊ जी चा। वाह बेटा वाह, भाई पूरा दिन का सफर करने का बाद घर में एक ही फ्रेश हो जाओ और वे का बाद मिल जाओ गर्मा गर्म चाय। और वाह भी अदरक वाली पर बेटा अदरक वाली चाय दिल्ली में मिल दी कक्ष, यहाँ को मजा तो बस गढ़वाल में ही चा गढ़वाल में। ताऊ जी अब तुम ही आ गयो ना, अब तो आपते रोज अदरक वाली चाय मिलेगी। शाबाश बेटा शाबाश, मीत है तो ऐसे यही उम्मीद छे, चाय पे के तो देखो कन होनी जी चाय। वाह बेटा वाह, बहुत ही बढ़िया चाय बनी इस तेरी। पर बेटा तीन चाय के लिए बनाई, घर में इतना नौकर जागर छन वे का बात भी। ताऊ जी दादी बोल दी छे कि अपना घर की रसोई कभी भी नौकरों की भरोसा नहीं छोड़ चाहिए, अरविंद विद्युत फूफू बाजार जाई छे। और धीरज कक्ष यहाँ हूँ डैडी। अरे बेटा तू तैयार भी वेगे, ऑफिस जानू छे क्या? हाँ डैडी ऑफिस जान जरा जरूरी छे, किले की बहुत दिनों को काम पेंडिंग पड़ी होलू। ठीक है बेटा पर जल्दी आ जाए ना हो कखी नंदा यखुली बोर हो जाओ। नहीं जल्दी आ जालू, बाय नंदा। बाय बाय डैडी। बेटी शुरू में तो यख को माहौल बिल्कुल अलग लगल हो, तुए थे बिल्कुल अजीब सी लगल हो, किले की यख को रहन सहन यख को वातावरण यख दिल्ली को कल्चर बिल्कुल अलग छ, यख का लोग बिल्कुल अलग किस्म का छ। बेटा आप के लिए चिंता का ना चिंता जी, मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊ। शाबाश बेटा शाबाश, बहुत अच्छो। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। हाय बेटा। लक्ष्मी गए अंकल? लक्ष्मी तो अपनी दीदी के साथ बेटा कनॉट प्लेस गई है। ओके कब तक आएगी? मेरे ख्याल से शाम तक ही आ पाएंगी बेटा। ओफो ठीक है अंकल, तो अच्छा हम चलते हैं। अरे रे रे बेटा बैठो तो सही। अच्छा पहले मैं तुम्हारा इनसे परिचय कराता हूँ, ये है नंदा हमारी बिटिया धीरज की मंगेतर। धीरज की क्या? मंगेतर। नंदा बेटी मैं तुम्हारा इनसे परिचय कराता हूँ, यह है सोनाक्षी। नमस्ते। और यह है सुरभि। नमस्ते। तुम्हारी लक्ष्मी बुआ की सहेलियां हैं दोनों। हाँ ठीक है बेटी तुम तीनों लोग बैठ के बातें करो, मैं जरा आराम करता हूँ। जीता हूँ जी। ठीक है बाय अंकल। बैठो बहन जी। बहन जी
यू नो मेरा नाम सोनाक्षी है, लोग मुझे प्यार से शुश बोलते हैं, शुश। अरे रहने दे यार, इसके मुंह लग रही है, ये ठहरी गांव की अनपढ़ गवार। अंकल भी पता नहीं किसे उठा के ले आए, कहाँ धीरज इतना अल्ट्रा मॉल और कहाँ ये। जस्ट इमेजिन यार, अगर धीरज इसको लेकर डिस्को चला गया तो नंदा नंदा इन्हें आ झटाना। कतका सुंदर लगनी छे, तिल खानो खाया निखाई? प्रकाश प्रकाश दो प्लेट खानो ले हमकुना, आज हम दुई बेटी खानो खोला की छे सोचनी सुनसान से लगनू। ये खेक लाइफ इन नीचा, कभी सुनसान तो कभी मेला। पर नंदा कखी तू लक्ष्मी की दगड़े वाल बात से तो परेशानी छे नंदा, यो घर मा आधा अंग्रेज और आधा गड़ोल रनिन, मिथे डोर लगनी चा, यो वास्ता तेर तिरस्कार बार बार होए सब, पर देख किथे सेन करनु पड़ोल, ये ही तेरी परीक्षा चा। माँ ने बोली छो, नौनी की परीक्षा तो जन्म से मरण तक हूँ। बस अब तू समझ गए, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेर दगड़ चा। क्या बात चे भाई, बड़ी गुपचुप बात होनी चाहिए हमारी बेटी नंदा के दगड़ी हैं? अरे ये इन तो घरों में आंधा सारी, घरों को सौंप काम काज संभाले आली। बिल्कुल ना, इल घर को कोई काम काज नहीं करूं, इल तो अभी दिल्ली घूमने चा। ताऊ जी गौतम नहीं आया अभी तक। गौतम? बेटा वो तो लाटू चो लाटू, पता नहीं कहाँ घूमने होलो अभी। क्या बात छे नंदा, काफी उदास छे लगनी। धीरज गौतम कक छे? गौतम अभी नहीं है, तीन चार दिन पहले फोन पे बात भेजे वैसे, बाकी जब वो आलू तो तुम खुद ही पूछ लिया, और तुम भी तो गौतम तो उतका ही जान दो ना जत का मी जान दो छो। अरे नंदा जरा मिथे एक जरूरी काम छे, मैं अब भी आ दूं। हां नंदा धीरे चल गया जी भाई, मजा आ गया। क्या आलू का परांठा बढ़िया छन, इन परांठा तो हमारे गटोला में बिल्कुल नहीं बनता। नंदा ले बेटा तू भी खा ले, ले खाना। अरे खा बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। आंटी गौतम यख नहीं रहंदू? गौतम उसका यहाँ क्या काम, वो तो नौकरों के कमरे में रहता है। तो क्या वो नौकर है यहाँ का? हाँ हाँ नौकरों जैसा ही है, वो तो अलग बात है कि हमारे उस पर एहसान है और वो उनको मानता भी है। लेकिन वो खाना कहाँ खाता है? अरे खा लेता होगा कहीं भी। हाँ अगर यहाँ आ जाए तो हम भी खिला देते हैं। लक्ष्मी बस करा बस करा, भीतर चला। चल मैं भी भीतर जाना छो। गौतम नंदा तुम कक्षा? क्या बात छे नंदा? तुम कक्षा मी ते कद गफी करुई छे, पता भी छे तुम ते, तुम बहुत खराब छे। ठीक छे मैं खराब छो, पर तू तो अच्छी छे ना, देख तेरा आन से दिल्ली मा कदगा बरसात होनी छे। चला भीतर चला। ना ना बस मैं तो तुसे मिन्नू को आयो, अब मिन्न होगी चल दू छो, काफी दिनों काम बाकी छे। ठीक छे। अरे ठहरा ठहरा एक मिनट, यू पराठा छिन खा लिया? अच्छा ठीक छे। अच्छा भल के जया। अरे गौतम आओ आओ, क्या हाल है भाई, कब आया? अबे भीग कैसे गया? अरे यार गांव में बहुत दिन लग गए, बाहर बारिश हो रही थी भीग गया। अच्छा हाँ। अरे इसमें क्या है? अरे खोल खोल यार। अरे चिट्ठी भी है भाई, चिट्ठी भी है। अबे इसमें क्या है? ओए ओए पराठे। अरे मुझे भी देख। अबे चलना मुझे खाने दे यार। अरे जल्दी देना यार। अरे यार मुझे भी दे दे। देख भाई गौतम पराठे तो तुझे मिलेंगे नहीं, हाँ ये चिट्ठी जरूर है, ये तू ले ले। जरा पढ़ के सुना यार। ले अभी ले। हम ईद का दिन आपके बिना उदास हो गई हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ओए है क्या बात है, खबरदार वो धीरज की होने वाली बीवी है। होने वाली है ना, हुई तो नहीं।
नंदा नाराज छी क्या? नाराज होने की तो बात है। क्या हुए? यू बाल छिन, यू कपड़ा छिन। अरे नंदा, हमारी हाई सोसाइटी में इन्हीं फैशन होंदो, और उन भी अभी तो तू या किछ है ना, जब घर जाली तब फिर बड़ा ले ली। पिताजी देखला तो बहुत मरला। अच्छा बाबा, कोई बात नहीं, अब तू बैठ तो सही, मेरा बात तो सुन तू। हाँ हाँ बोला। यू क्या करना छो तुम? सिगरेट? तुम सिगरेट भी पीना छो? सिगरेट? नंदा तू भी क्या बात करनी छे, अरे हमारी सोसाइटी में तो ये सिगरेट पीना ना मामूली बात होंदू। अरे हम तो कभी कभी शराब भी पींदा, और हम ही क्या, हमारा दगड़ी तो नौनी भी पींदा, और हम दगड़ा दगड़ी डांस करदा और घूमना भी जांदा। अरे ये तो हमारे लिए मामूली बात छे, मामूली। सिगरेट पीने बुरी बात होंगी? अब भली हुए छे बुरी, मित्र तो छोड़ सक दू पर सिगरेट नहीं छोड़ सक दू। तुम यख में बैठ के पिया सिगरेट और मैं जान दो छे। धीराज 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 धी सॉरी नैना आवा। क्या बात छ, सुबेर सुबेर नहन होएगी आज? और हाँ, पराठा तो आप बहुत ही लाजवाब बनाता है, मेरा हाथ तो एक भी नहीं पड़ी, सभी मेरा दोस्तन खैली। क्या बात छ, कुछ परेशान छ दिखेनी? परेशानी तो बात छ, तुम झूठा छो, तुम इन बोल छो धीरे सिगरेट नहीं पींदू, शराब नहीं पींदू, उतना सब कर दू, मैं नहीं रहना व्यक, मी थे इन जीवन साथी नीचे आऊं, मी थे एक बटी घर भेज दा। तो तू ऐते कन इंसान चाहे तो तुम जन, बिल्कुल तुम जन। मी ते सच्चो प्यार करन वाला इंसान चाहे, जय का दगड़ी 4 दिन सुख से कट जा। तुम अपने दिल से पूछा, क्या तुम मेरी इन जिंदगी से खुश छो? नंदा रिलैक्स, नंदा रिलैक्स, जोश माँ होश नहीं खोना चाहें, संभाल हफ्ते हैं। तुम ही थे लेकिन इतनी छेड़ दे रहा, मेरे साथ दे लाना। हाँ बाबा हाँ, मैं तेरे साथ दे लूँ। तुम ते मेरे सो। हाँ हाँ त्यार सो। भेजी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूं। पूछ भोली पूछ, क्या बात छे? भेजी, आग और मुंह में खेल बहुत खतरनाक होंदो, मोमबत्ती तो जगदी रहंदी और सबूते प्रकाश भी करदी रहंदी, लेकिन भेजी जगदी जगदी खत्म भी हो जांदी। अरे साफ साफ बोलना भोली, क्या बात छे? ये पहली क्लेश है बुझानी। अरे आग लगने से पहली क्या पानी नहीं घोल सकती तू? भेजी, गौतम को यो घर मा कन के बोलू, अच्छू भी तो नहीं लग दू, ज्यादा लगाओ ठीक नीचे। वैसे पता चला कि वो मेरू बेटा है मेरू, और तू तू वैसे निकलवाना चाहनी छे? भेजी, आप भी बात बात पर नाराज हो जाए, पर आपते पता नीचे ये कि कुछ ज्यादा ही मेल जोल हूँ जो नंदा दगड़, जो हम ते बड़ी शर्मक बात च। अच्छा ये बात च? पर तू इन कन बोल सकते सुना ना? हे जी, मिल अपनी आँख खुल देखी और यूं की गुपचुप छुई, अपनी कंदड़ुली सुनी। तो यहाँ की चिंता ना कर, सुना है ना? यहाँ को इलाज भी मैं वहां, ये को इलाज भी मैं ढूंढ लो, ठीक छ?
ला बेटी। बेटा मैं तुझे ये क्या साफ सफाई का वास्ता लायूं? साफ सफाई का वास्ता बेटा घर में नौकर चाकर भी छन है ना, छोड़ दे ये थे, चल चल। पर मी ते अच्छी लगन ताऊ जी। कोई बात नहीं बेटा, तू छोड़ ये थे। नंदा बेटी मैं तुझे एक बात करना चाहूं बेटा। हाँ हाँ ताऊ जी बोला ना, क्या बात छे? तुम्हारी मांग अड़के अंगूठी कक्ष बेटा। अंगूठी कक धैर वेल अंगूठी। मीमा ज बेटा मीमा, अब तू हैरान होनी होगी कि मीमा ककवटी आई। ये अंगूठी पड़ी छे रसोई घर में बेटा, संभाली के रखना चाहिए अंगूठी। ये चीज छोटी छे पर यूं को महत्व बहुत बड़ो छे। जी ताऊ जी नी अभी ते संभाल के धैर दियो। मैं जण दूं छो बेटा कि धीरज एक बहुत कठिन इंसान छे, किले की वैन कभी गढ़वाल देखी नहीं छे। ये की पैदा हुए या किले की पौड़ी, अब यामा वे की कोई गलती तो नहीं छे। गलती तो हमारी छे बेटा, जो हमन कभी भी गढ़वाल की संस्कृति का बारामा वे थे कभी बताई नहीं छे। बस यही एक असमानता छे बेटा, और ये असमानता दूर करने का वास्ता मिन तेरो हाथ धीरज का वास्ता मांगे बेटा। अब तू तो हमारो भविष्य छे बेटा, ये घर के भी लाज छे और वे घर के भी लाज छे बेटा। मैं जण दू छो बेटा कि धीरजन तेरा बाल जबरदस्ती कटे नहीं। तुवे ते एक टॉप पहराई, तुवे ते एक जींस पहराई जो तुवे ते पसंद ही नहीं छे, और तुवे ते यू पसंद नहीं छे, ये वास्ता ही तुम ही थे पसंद छे। अब हमारो क्या छे बेटा, हम तो ढल दू घाम छो और तुम लोग तो चढ़ दू घाम छो बेटा, चढ़ दू घाम। धीरज और हमारी जिंदगी की खुशहाली की शर्त छे ना हमारी, यही वादा छो ना हमारो। डैडी क्या बात छे, आज तुम तो यह खूब लग्या छे बात मा। हमन तो बात करनी छे बेटा, तो दे तो फुर्सत ही नहीं छे। क्या हुएगी डैडी? वे क्या छे, अब यह अकेली बैठी छे, ये गांव बटी आई छे, ये क्या इन साफ सफाई का वास्ता आई छे? यख कम से कम इनको ख्याल रखा कर, इन का दगड़ी बैठ बातचीत कर, नहीं तो घूमो कम से कम। तुम्हें तो सोच चाहिए ना कुछ तो। नंदा बेटा जा आज घूमी क्यों, चल बेटा जा घूमे के लो ही थे आज। ठीक छे डैडी, नंदा चल तैयार हो जा। जा बेटा। शाबाश। रमानी जादी तो थे घाम लागलु, ए छोरी घाम लागलु, तन फुकेलो तेरो मेरो मन जुरलु, ए छोरी मन जुरलु। रमानी जादी तो थे घाम लागलु, घाम लागलु, तन फुकेलो तेरो मेरो मन जुरलु, ए छोरी मन जुरलु। छोरी मन जुरलू।
पिताजी आपन में इतने बुलाए छे क्या? हाँ मिन बुले गौतम तो मिन बुले है गे मेरा बेटा शाबाश। अरे तू तो उन भी मेरे शेर छे शेर। तो ते पता छे कि तेरी मेहनत से हमारी कंपनी कदगा ऊपर पहुंच गए हैं, तीन कदगा तरक्की करी। शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया। सब आपको आशीर्वाद छे पिताजी। आज बहुत खुशी होनी छे गौतम, बहुत खुशी होनी छे। पर यार दगड़ा दगड़ी एक दुख भी होनो छे। दुख? दुख क्या बात को पिताजी? दुख ये बात हो छे गौतम कि तुए ते भोल सुबेर ये शहर छोड़ के जान पड़ लो अहमदाबाद, और वक्की रहन भी पड़ लो बेटा। अहमदाबाद पर किले? किले की हमारी कंपनी को कारोबार बहुत ज्यादा बढ़ गई, और कंपनी को कारोबार बढ़ने से हम तो अहमदाबाद में एक ब्रांच भी खोल पड़ गई, और तू वे ब्रांच को पूर्व मालिक छे बेटा, पूर्व मालिक। वे ब्रांच ते तीन देखना तीन, ठीक छे? ठीक छे बेटा। पर क्या मी दुई दिनों बाद ही जा सकता? भोल सुबेर ही जान क्या जरूरी छे? हाँ बेटा बिल्कुल भोल सुबेर जान पड़ लो, किले के वक्त तेरो इंतजार भी तो होनो छे ना। ठीक छे पिताजी, मैं भूल सुबह चली जा रहा हूँ। हेलो, कौन बोल रही है? मैं नंदा छो, गौतम कक्षी, जरा बात करा दिया। वो तो चला गया मैडम। चली गया? पर कक चली गया? अब ये तो पता नहीं मैडम, लेकिन वो चला गया बिना कुछ बोले बिना कुछ बताए। चली गया मी ते बताए बिना, कब गए होलू, अब क्या कर लू। नंदा, ओ नंदा, क्या बात छे? आज बगीचा में घूमने छे वो भी अकेली? हाँ अच्छा सुन, शाम भगत मी तुते पार्टी में ले जालू, ठीक छे? तैयार रहे जरा खूब बन के। मैं नहीं जाना आज के बाद के पार्टी में। मेरे बाल कटाए दिन, मेरे कपड़ा देखा, क्यों हुंदी छे तुम्हार पार्टी में? उल्टा सीधा डांस, खराब लोग और शराब। नंदा ये तो समाज छे, और हर इंसान एक जन न्यूंद, अरे कोई गरम तो कोई नरम। हाँ हाँ पता छे, पर बिना शराब के कोई पार्टी नहीं हुंदी तुम्हारी। अरे मिन बोली ना, समाज में हर तरह के लोग हुंदन, और उन भी हमारा ऊंचा सोसाइटी में, पार्टी में जान तो बहुत ही जरूरी हुंदो। धीरज मी ते यक घुटन होने छे, दम घुटन छे मेरे। हाँ वही किले ना, तुम तो छाप पहाड़ों की रानी, और उन भी पहाड़ों की सुधावा लेने वालों थे। दिल्ली में घुटन तो हेली ना, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ जाली। अच्छा नंदा अभी तो मैं जानू छू, पर शाम भगत पार्टी में जान खुड़ तैयार हो जाए, ठीक छे? अब मैं शाम को आलू। रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो, रात बाकी बात। धीरज तुम ये क्या कहना छो? कुछ ना, कुछ भी तो ना। तुमने तो बोले छो कि ये पार्टी बटी सीधा घर चली जाओ, पर तुम एक होटल में किले लीन। अरे ये हालत में कन के जान घर देखने नीचे मेरी हालत। आज खुद ज्यादा ही पिएगी। चला घर चला, वक बुआ जी इंतजार करनी वेली। अरे नंदा डार्लिंग, कोई के को इंतजार नहीं कर दू, को कक्षी के को पता नहीं छे। अरे ये दिल्ली छे दिल्ली, देखनी छे ना मेरा सब दोस्त अपना अपना कमरों में अपनी दगड़ दगड़ मौज करना छन। Come on! ये क्या करना चाहिए? छोड़ा मीते। नंदा डालें, चलो दोनों सो जाते हैं। धीरज, ब्योह से पहले या अच्छी बात बीच, फिर कुछ ही दिन तो रहेगी ब्योह में। You backward? तुम संकीर्ण विचारधारा के लोग हो, तुम मन पड़ गवार, हमेशा पहाड़ी के पहाड़ी रहोगे। अरे शादी से पहले मिल नहीं सकते, लड़का लड़की आपस में बैठ नहीं सकते, अरे हमारी ऊंची सोसाइटी में सब कुछ पहले ही हो जाता है, समझी?
ए जबान पे लगाम दे। मैं उत्तरांचल की बेटी हूँ, जहाँ भी रहूंगी अपनी पवित्रता की मिसाल को कायम रखूंगी। तुम जैसे कमीने को तो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। मैंने ये कपड़े क्या पहने तुमने सोचा मैं सब कुछ कर लूंगी? ये सब मैंने तुम्हारी खुशी के लिए किया था। मैं जा रही हूँ। अरे जा, बहुत आई तेरे जैसी रोज आती है। Get out from here. कभी मेरे साथ एक रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूँ प्यार। आए बुआ। क्या बात च, बड़े मूड में छे बेटा, पर नंदा कब च? पता नहीं, मिथे क्या पता। हाँ थोड़ी देर तक तुम मेरा दगड़ी छाए वो, पर पता नहीं कक चले गए। अरे गए वाले कक्की, मिथे नहीं पता कक गए। अरे इनकले, अरे मैं पुसनु छो नंदा कक गए। अरे बुआ जब मेरा आँख खुले ना छाए नहीं जी वो वक्की। अरे पता नहीं कक गए वो। वही थे ढूंढो धीरज बाबू, वही थे ढूंढो। निथर म्यार भुला ए जाल ना थमा दिले की तो डिसान लगे जाल तुम और म्यार भी। घबराना बुआ घबराना, मैं अभी पुलिस कमिश्नर तो फोन लगा दूं। लगा जल्दी लगा बेटा जल्दी लगा। अरे मैं दगड़े छो दगड़िया। हेलो कमिश्नर साहब है, डॉक्टर साहब। अरे यार अरे बुआ नशे में नमी थे, बस कुछ याद ही नहीं रह दू। मैं भी उल्लू को पट्टा ही चाहूं। बेटा आपके होलू। अरे म्यार भुला दिली पल तो मेरी गर्दन ही काट देना, मैं तो अब भी जाके सब मुझसे बात कर दू। हे भगवान अब के होलू कक चल गए होली। हे भगवान। अरे यार ये तो सब गड़बड़ देगी, कक गए वेले नंदा हैं? कैसे आप हो तू फंसियों में? तो मेरी सुपनियाली बांधा, मेरी सुपनियाली बांधा, तू सची है जा। तू ए मां म्यारू मन बस्यू छ, तू सची है जा। गौतम गौतम, ये तो नंदा है आवाज च। कोचू भीतर आ जा। अरे नंदा तू यक मेरा घर में, क्या बात छ? हाँ बैठ। क्या बात छ नंदा, क्लेशर होने? मैं एक नर्क में आ गयो, मैं ते एक बटन ले जावा। अब मैं यक नहीं रहना, मैं अपना घर जाना चाहूं। ठीक छ नंदा, नी तू एते हैं तेरा घर ले जालू, पर तू अभी यक का घर तो चल। मैं ये कमीना का घर कभी नहीं जान, मैं मोरी जान पर मैं पक नहीं जान। यन नहीं बोलता नंदा, यक तेरू रिश्ता हो और वे लोग तो ढूंढ रहा होला, वो बहुत बड़ा लोग छन, पर तू पहली एक बेटी तो चल। तुम नहीं जाना छो ना, मैं समझी गयो तुम भी मेरा नहीं छो। क्या बोल नहीं छे? मिल रेला तो मुर जान। मुरी जान? अरे पगली तू ये क्या बोल नहीं छे? ये तो कायरों का काम छे, और जीवन तो एक संघर्ष छ पगली, संघर्ष। अच्छा अब चुप कर, ठीक छ? मैं तो कहते हैं गढ़वाल ले जा लू। अरे मुझे तो पहले ही पता था कि नंदा एक ना एक दिन जरूर गुल खिलाएगी। ए भगवान ये नौन गैत गै कक्ष, अब मैं अपन बुला दिलीप थे कन के मुख दिखाल। खुफिया विभाग द्वारा पता चली कि गौतम हुए की दगड़े च कखी गौतम इतनी ले गए मीठे भगा के,
मैं दुइयों को हाथ खुटा तोड़ दे लू। अगर वो दुइया तगड़ा तगड़ी दिखे जाला ना तब बस। मीठे तो पहली शख्स कि जो होनु च ना ठीक नीच होनु। अरे दुइया तगड़ा बहोला ना, पर ये पता तो चल पहली कि दुइया जया कक्षा ना। बुआ जी वो चक भी होला ना, मैं ढूंढ लू वे थे और उनका वो हाल कर लू जो उन सोच भी नहीं होलू कि इन भी हो सक दो। अरे धीरज च म्यार नाम धीरज, वे लवी छोटे भोलू को प्यारी देख जा। न बेटा न धीरज, तू किच नहीं कर बेटा, सब मुझे होते चाहे उधर ढूंढना कौन। माँ। अरे नंदा बेटी तू यहाँ को। अरे तू रोने किने चाहे। अरे वो सब ठीक ठाक तो चाहे। गौतम बेटा क्या वे? माँ जी आपने नंदा ही बता दी, इन भी मैं तो कुछ ठीक तरीके से पता नहीं चाहिए। क्या मतलब? किले नंदा बेटी क्या वे हैं? तबीयत तो ठीक चाहे हैं? किले रोनी चाहे तू? बता बताओ तो सही। अरे तू रोनी किले चाहे? बताओ बेटी बताओ। माँ मैं सब बताऊँ, वो लोग कंचन और वो धीरज, धीरज कंचन, मैं ये भी बताऊँ माँ। अरे चंदा छत में बैठी छे तू, नीच गेट खुला छे। अरे नंदा बेटी नंदा। पिताजी। अरे बेटी नंदा, अरे तो ते पापा की याद आनी होली अलग नंदा। अरे इन बताओ किले रोनी छे तू? धीरज नहीं है पिताजी वो। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं यार, उमर टाइम नहीं रहे उलू बड़ा लोग छन भाई। अब तुम आ गया, तुम ही हमारा पहला मेहमान छे भाई। अरे यार वो तो बात का बात छे। मैं बताऊं दो पिताजी, मैं बताऊं दो। क्या बेटा क्या बताना, क्या बात है? अच्छा इना लोग छनु, अभी रुक जा तू, यक बुला के उनकी इनी खबर ले लू, इनी खबर ले लू, क्योंका पुरखा भी याद कर लाऊं। कोई जरूरत नहीं उसे बात करने की, खानदानी लोग छनु इन्होंने, खानदानी लोग कमी ना लोग छनु। हम तो निकल दगड़ी रिश्ता, जा फोन कर बोल दिया हमारे सराफत को फायदा उठाना सुन। ठीक छ, तुम्हें अभी शंभू तक फोन करी के आंदू, तू रो ना। चुप है जा बेटी ना रो। चुप है जा बेटी चुप है जा ना रो। क्या तुम? अरे मी तो आया क्यों, पर तू बता भाई तू मेरी लड़की भगा के ले आओ। क्या बात ची बाबूजी, क्या बात, क्या बात ची बाबूजी, लड़की भगाई तो बाबूजी, क्या बात ची बाबूजी, बाबूजी भगाई बाबूजी, क्या बात ची बाबूजी। और तू बाबूजी, नंदा को हाथ उठाने से पहले आप ते मेरी लाश से गुजर पड़ लू। मैं तेरी लाश से गुजर लू। चल बेटा तेरी लाश से गुजर लू। मी जा, चल तू भी चल, तू भी चल। पिताजी छोड़ दे, छोड़ दे पिताजी, छोड़ दे पिताजी। बस बहुत हो गई, और आज का बात फेर निकली ना मैं तेरी टांग काट दियो।
मेरी सुपन्याली बांदा तू सचिए जा तेम म्यारो मन बस्यू च तू सचिए जा ओ तू सचिए जा मेरी सुपन्याली बांदा तू सचिए जा तेम म्यारो मन बस्यू च तू सचिए जा हाय तू सचिए जा अब कतगा तरसनी जा तीन सोची भी नी होलो मन मेरो भटकुण जा ते मेरी आंखें तेरा बाना अब कतगा तरसनी जा तीन सोची भी नी होलो मन मेरो भटकुण जा मेरी सुपन्याली बाण तू सचिए जा तुम मेरो मन बच्यू च तू सचिए जा हाय तू सचिए जा मन मारली ओ तू न जली दिल मा सदनी रली मी मोरी बीती जलू तू फिर भी मन मारली मेरी सुपन्याली बांदा तू सचिए जा तेम म्यारो मन बसुच तू सचिए जा हाय तू सचिए जा ओ मीरालू या नीरालू या पंछी बनी जलू मी भरा बनी जलू पर फिर भी तो माँ ओलू हे मी रोलू या नी रोलू या पंची बनी जलू मी भरा बनी जलू पर फिर भी तो माँ ओलू मेरी सुपन्याली बांदा तू सचिए जा तुम म्यारो मन बस्यू च तू सचिए जा ओ तू सचिए जा मेरी सुपन्याली बांदा तू सचिए जा तेम म्यारो मन बस्यू च तू सचिए जा हाय तू सचिए जा पिताजी देख लो तो तुम तभी बहुत मर लो ना दीदी ना मुझे सब पता है पापा बहुत गुस्से वाले हैं इधर आपके साथ ही मार पीट करके गए हैं दीदी एक बात बुन जानो गौतम जी बहुत अच्छा आदमी छन वो हमारी गढ़ली संस्कृति ते जन दा छन और वही हमारा जीजा जी बनना का लायक छन हाँ दीदी दुनियादारी के चक्कर छोड़ दो गौतम जी हमारे पहले मेहमान थे उनमें कोई बनावट भी नहीं है हर सुख दुख में साथ देने वाले इंसान है गौतम जी अरे बेटी तुम दुई यक नंदा दगड़ी के लिए बैठे जा जाय बेटी तुम्हारा बूबा जी देख ला ना तुम दियो तभी मार देला और वी तभी ठीक जाय बेटी
अरे नंदा बेटी तुम ब्याली बेटी खानो नहीं खे ले खानो खे ली मिनी खानो की ले गौतम दगड़ी जो कुछ भी वे बहुत बुरु है तू चिंता न कर बेटा मी तो सब कुछ पता चल गई गौतम अन मीमा सब कुछ बताई ली गौतम बहुत अच्छा नोनू छे और वे तो छोड़ी ना तू जा वे तो ब्लैक तलो की ले मी भी ये घर की मालिकन छो मैं सब तो देख लो तू भाग जा मैं बोलनु छो ना जो भी होलू ना मैं अपना आप देख लो तू जा शंभू भाई क्षण डाले पिछले गौतम आज दिन मेरी तपस्या को यूं फल जाई थे पाल पोसी की मदद का बड़ा करी और तीन मीद अगली धमक हरामी करी बोल जो सच्चाई जानना चानन वो आत्मा क्या थी लेकर नहीं आनन अच्छा तो बताओ ये नंदा दगड़ी तेरू क्या रिश्ता छ रिश्ता छ सच्चाई को प्यार को इंसानियत को जो एक इंसान दगड़ी इंसान को होंदो तेरा टंगड़ा तोड़ दियो तेरी गर्दन उड़ा दियो बोल क्या करूं तेरू पिताजी आप सच्चाई सुन चाना आप सुन चाना कि किला भागी नंदा बेटे और धीरज ने क्या कही नहीं का दगड़ी अगर आप नहीं सुन सकता तो मार दिया मैं ते किले की आप मेरा बड़ा सन मार दिया मैं ते सच्चाई जानन चांदा ताऊ जी मैं बतांदो सच्चाई पता छ धीरजन क्या कह रहे मी दगड़ी शराब पे की मीते कमरा में ले गई नी से बदतमीज करना कोशिश कर जन तो छो क्या ईज हाई सोसाइटी की सभ्यता है जन करी धीरज ने तो दगड़ा तन में मां पता की रहनी छे के सुनने चाहना छ जब बोलने चाहनी छ तब तो मैं सुनी नहीं उबर तो तुम पर खून सवार हो छो ना डैडी मिल गया साला गौतम का बच्चा हां बेटा ए जा आ आ तेरी तो मैं इंतजार ही करनु छो आज मैं यूं ते नहीं छोड़ साला का हाथ खुट्टा तोड़ दे साले कांगरे धीरज छोड़ दे यहाँ से पहले कि मैं तेरी जान ले लूँ तू चल जा एक बटी की चल जा हाँ धीरज जा जा तू एक बटी चल जा जा बुला शंभू देख यार तेरे संस्कृत के मेल अरे तू तो बोलो छह कि एक बटे मेला पर जन्मभूमि खुशबू सनद दिल में फैलान इन फैल द खुशबू ना बुला ना ये खुशबू और सड़न दिग्विजन कभी नहीं हो सकते बुला कभी नहीं हो सकते तेरा संस्कार तो यहाँ कच्ची शंभू लेकिन तेरे औलदिक संस्कार बिल्कुल विदेशी सी बुला जो हमारे संस्कृति से बिल्कुल मेल नहीं खांदा अरे मैं तो ऊ पूंजीपति लोगों से बोलन चांदू जो अपनी औलाद है पाश्चात्य संस्कृति दीने कसम खाना छी अभी भी वक्त तक समझ जाओ अपने घर की संस्कृति छोड़ की तुम विदेशी संस्कृति का विकास करना छो अरे जब विकास ही करण तब अपने घर को कारा अपने राज्य को कारा अपने देश को कारा तभी तो हमारे गढ़वाल खुशहाल होलो मीठे और शर्मिंदा ना कर दी थी मित पहली बहुत लज्जित रह गयो पर दलीप तू ऐसे एक प्रार्थना छ अरे इन नहीं कह रहा शंभू भाई जी मी तो शर्मिंदा नहीं कह रहा आपके बोलना चांदा बोला मैंने एक दिन बोली छो ना कि मैं नंदा थे अपना घर की बुआरी बनान चाह छो और तो मन भी खुशी खुशी मेरी बात माने आली छे आज भी बात थे मैं दोबारा बनू छो नंदा थे अपना घर की बुआरी बनान चाह छो मैं जी आप अभी भी बात करना चाह ना बाजी ना आप थे गलत फहमी होनी च इबरी दामी धीरज का अवस्था नहीं हाथ मांगनु छो मी को बल्कि अपना बेटा गौतम का अवस्था भी को हाथ मांगनु छो बेटी नंदा तू थे तो कोई ऐतराज नहीं च बाजी दीदी दलीप भाई जो होलू सब ठीक हालू वे भगवान की इच्छा पर सब छोड़ दे मेरी बात मान जा